अस्सलामुअलैकुम आदाब। जहर जब कोई इंसान खाता है तो वह अकेला मर जाता है, क्योंकि जो इंसान जहर खाता है वही मरता है, या धोखे से अगर किसी को खिलाया जाए तो वही इंसान मर जाता है। लेकिन एक चीज़ सबसे बड़ी जहर जो है, जो आजकल हम एक दूसरे के कानों में एक दूसरों के लिए नफरत पैदा करवाते हैं, वो कहीं ना कहीं इस माशरे के लिए सबसे बड़ा जहर है और माशरे के लिए सबसे बड़ा धोखा बन रहा है। आप लोगों से गुजारिश है कि इन चीज़ों पर एतबार ना करें। जो इंसान आज आपके बारे में, दूसरे के बारे में आपको बुरा कहता है ना, वो कल को आपके बारे में भी दूसरों को बुरा कह सकता है। तो ये कानाफूसी जो है, जहर एक बार इंसान खा ले तो वो मर जाता है, लेकिन ये सबसे बड़ा जहर जो मुझे लगता है आज के दौर में, वो कान में जो हम जहर डालते हैं एक दूसरे के लिए, वो जहर इस माशरे को कमज़ोर कर रहा है। वो जहर कहीं ना कहीं हमें इस सोसाइटी को आपस में जो जुड़े हुए होते हैं उन्हें दूर करते हैं। हमेशा अगर कोई भी बात आपको कोई कहता है तो उन बातों को पहले गौर करके, उन बातों पर छानबीन करके, क्या ये सही कह रहा है, तब जाके उस बात पर भरोसा करिए। और दूसरे की बात पे अगर एक इंसान आपको किसी की बदनामी बोलता है, किसी के बारे में बुरा बोलता है, तो ये समझिए कि वो मुनाफिक इंसान है, वो कल को आपके बारे में भी दूसरे को बोल सकते हैं। तो उन चीज़ों इन लोगों से दूर रहें और इन लोगों से परहेज रखें। इनसे आप ये नहीं कहूँगा कि इनसे उठना बैठना चलना फिरना छोड़ दें, लेकिन उनकी बातों का मजा लीजिए, उनकी बातों पर एतबार ना करें। हाँ, अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं ये सच कह रहा है, तो उसकी बात पे गौर करके, उसकी बात का छानबीन करके, तब जाके अगर आप भरोसा भी करते हो तो मानने वाली बात है। वरना आजकल जो हम एकदम भरोसा करके एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर देते हैं ना, कहीं ना कहीं ये हमारे इस माशरे के लिए जहर बन के उभर रहे हैं, क्योंकि जो कानों में जहर डाल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एतबार की जान ले रही है। कहीं बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत जगहों पर ऐसे देखा कि लोगों की जान भी ले रही है, एतबार की जान ले रही है, भरोसे की जान ले रही है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इन से दूर रहें और इन किसी भी बात पे अमल करने से पहले उसकी अच्छी तरह फंडिंग करें, तब जाके उसके एतबार करें, तब जाके ये ऐसा न हो कि अनजाने में आप कोई अच्छा रिश्ता तोड़ दें, अनजाने में आप कोई भाईचारा तोड़ दें, अनजाने में आप किसी दोस्त से छूट जाए और बाद में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी पड़े। इन चीज़ों से दूर रहिए, दुआओं में याद रखें।